नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आपने शरीर की खोई हुई ताकत पाने के लिए या शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए और साथ ही काफ़ी सारी बीमारियों के लिए काफ़ी अलग अलग वीडियो YouTube या इंटरनेट पर जरूर देखे होंगे, लेकिन आज हम जिस औषधि के बारे में बात करने वाले हैं वह काफ़ी इम्पोर्टेंट औषधि रह सकती है और आयुर्वेदिक गुणों से भी भरपूर है, इसलिए यह हमारे शरीर के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है। दोस्तों, आपने तुलसी का पेड़ तो जरूर देखा होगा जो कि काफ़ी आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होता है और बीमारियों को दूर करने के लिए जाना जाता है। इसके पत्तों का उपयोग धार्मिक कार्यों में ज़्यादा किया जाता है, लेकिन इसमें मौजूद औषधीय गुणों के कारण आप इसे अपनी समस्याओं को दूर करने और अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में यह जानना बेहद ज़रूरी होता है कि यह किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है और किस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आप जिन समस्याओं के लिए काफ़ी महंगी दवाइयाँ खाते हैं, इसके बजाय अगर आप तुलसी के पत्तों का सेवन करते हैं तो ये आपकी उन सभी बीमारियों को जल्दी ठीक करने का काम करता है और वह भी नेचुरल तरीके से। पुरुषों में शारीरिक कमजोरी होने पर तुलसी के बीज का इस्तेमाल काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा यौन दुर्बलता और नपुंसकता में भी इसके बीज का नियमित इस्तेमाल बताया जाता है। शरीर में इंसुलिन को बनाने व बनाए रखने वाले तत्वों को तुलसी बाहर निकालती है। तुलसी ब्लड शुगर को कम करती है जिससे डायबिटीज कंट्रोल रहती है। तुलसी शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है जिससे सर्दी, खांसी, जुकाम, फ्लू, वायरल ये सब शरीर में अपना असर नहीं दिखा पाते। चाय में तुलसी डालकर पीना ठंड व बरसात के दिनों में बहुत फायदेमंद होता है। आप आसपास होने वाली हर बीमारी से बचे रह सकते हैं। एक शोध के अनुसार तुलसी शरीर में तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन को बाहर निकाल फेंकती है। इसे एंटी स्ट्रेस एजेंट भी कहा जाता है। तुलसी हमारी सभी कोशिकाओं को सामान्य रूप से चलने पर मजबूर करती है, खून का संचार अच्छे से करती है। अधिक तनाव होने पर डॉक्टर भी तुलसी खाने की सलाह देते हैं। ज़्यादा तनाव होने पर 10 से 12 तुलसी दिन में 2 बार चबाएं, तनाव बहुत हद तक कम हो सकेगा। दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।